अगर आप नवरात्रि व्रत में कुछ टेस्टी और यमी सा खाना चाहते हैं तो ये वाली कचौरियाँ जरूर बना लेना, जिन्हें आप लंच में, ब्रेकफास्ट में या फिर टिफिन बॉक्स में भी पैक करके दे सकते हैं। ये सभी को बहुत पसंद आएंगी। साथ ही में इसके रायता बनाएंगे जो कि व्रत का है, ये भी बड़ा ही टेस्टी लगता है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले मिक्सर जार में ऐड कर देंगे 1/4 कप समक के चावल और इनको पीस लेंगे। चेक कर लीजिएगा कि जो चावल हो वो क्लीन होने चाहिए। अगर आप गंदे चावल लेंगे तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो ये देखिए पीसने के बाद का पाउडर बन चुका है। अभी हम मिक्सिंग बोल में लेंगे 2 से 3 उबले हुए आलू, जिन्हें अच्छे से मैश करना है। आप चाहे तो इन्हें कद्दूकस भी कर सकते हैं। फिर इसमें ऐड करेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, बारीक कटी हुई अदरक और बारीक कटी हुई धनिया। फिर इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी काली मिर्ची पाउडर, सफेद तेल और टेस्ट के अकॉर्डिंग व्रत वाला नमक। अब इसमें ऐड कर देंगे जो समा के चावल का आटा बनाया था वो, साथ ही में कूटू का आटा ऐड करेंगे। ये भी मैंने 1/4 कप लिया है। अगर आपके पास चावल का आटा और कूटू का आटा नहीं है तो आप इसमें सिंगारे का आटा भी ऐड कर सकते हैं। अब बस सभी चीजों को मिक्स करते हुए इसका डो बना लेंगे। पानी वगैरह इसमें नहीं ऐड करना है। आप जैसे जैसे मिक्स करेंगे तो इसका डो बनने लगाएगा। तो ये देखिए डो बन चुका है। अभी इसमें क्रैक आ रहे हैं तो इसके लिए हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच घी, और घी ऐड करने के बाद फिर से इसे चिकना करेंगे। और जैसे जैसे इसमें घी मिक्स होगा तो आटा सॉफ्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं आटा अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब बस हाथों को अच्छे से क्लीन कर लेंगे और उसके बाद इसमें से पेड़े निकालेंगे और चिकना करते हुए इसकी छोटी छोटी सी कचौरियां बना लेंगे। वेलना वगैरह नहीं है, ये हाथों से ही बन जाती हैं। इसी तरीके से और भी बना लेंगे। इन्हें बनाना काफी आसान है, तो साइज आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो ये देखिए मैंने कचौरियां बना ली हैं। अभी गैस पर ऑयल या फिर घी गर्म होने के लिए रख देंगे और इसमें एक एक करके जो कचौरियां बनाई हैं वो ऐड कर देंगे और इन्हें मीडियम टू हाई गैस पर उलटते पलटते क्रिस्पी होने तक सेक लेना है। तो ये देखिए काफी अच्छा कलर आ चुका है और ये अच्छे से फ्राई हो गई हैं और बढ़िया से फूल गई हैं। फूलाने के लिए आपको करना क्या है, जैसे ही ऑयल में आप कचौरियां ऐड करें तो इस तरीके से कंचली से प्रेस करते जाइएगा, ये परफेक्टली फूल जाती हैं। तो अभी गर्मा गर्म इन्हें बाहर निकालेंगे और इसी तरीके से बाकी के बैचेस भी फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी सारी कचौरियां बन चुकी हैं और काफी मजेदार लग रही हैं देखने में। तो अब इनके साथ खाने के लिए झटपट से मैं आलू का रायता बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने फेटा हुआ दही लिया है। इसमें उबले हुए आलू को मैश करके ऐड कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें थोड़ी सी हरी मिर्ची ऐड करेंगे, काली मिर्ची पाउडर और व्रत का नमक ऐड कर देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और घी में थोड़ा सा जीरा चटका के ऐड कर देंगे। और तड़का भी हमारा लग चुका है। ऊपर से थोड़ा सा धनिया डालेंगे और फिर इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मुझे कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।